नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बिग बॉस ओटीटी में इन दिनों जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले कंटेस्टेंट एल्विश यादव और अविनाश सचदेव के बीच भारी नोकझोंक हो गई। एल्विश के फैंस ने अविनाश को सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, यहां तक कि रेप और मारने तक की धमकी दी गई है। अब अविनाश की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया कि गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, आप अपने चाहते कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन सपोर्ट करने के नाम पर बाउंड्री नहीं लांघ सकते। अविनाश की टीम ने स्टेटमेंट के साथ मुंबई साइबर क्राइम और शो के होस्ट सलमान खान को भी टैग किया है। किसी को आइडल मानना बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उसके फॉलोअर्स हेट और निगेटिविटी फैलाएं। इन तथाकथित प्रशंसकों ने सभी सीमाओं को लांघ दिया है। अविनाश के सभी नज़दीकी लोगों को बेतुकी बातें बोली जा रही हैं, रेप और मारने की धमकी दी जा रही है। एक गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, एक साफ सुथरा आदमी इस बात को समझ सकता है। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों को आज़ादी है कि वो अपने ओपिनियन रख सकें, लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं है, इमोशनल और मेंटल हैरेसमेंट है। हमें पता है कि जब भी आपका आइडल घर से बाहर आएगा, ये सब देखकर उसे खुद अच्छा नहीं लगेगा। वो जब देखेगा कि उसके फैन सपोर्ट के नाम पर किसी के लिए इतना गंदा सोच सकते हैं तो वो खुद काफ़ी निराश होगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।